नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अलमैदी टीवी पर नए प्रोग्राम दीन फितरत पे आपका मेज़बान इत्साम नकवी अपने मेहमान जनाब मौलाना वसीम अब्बास साहब के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हर पीर को 6 बजे से 7 बजे तक ये प्रोग्राम आपके खिदमत में अलमैदी टीवी से हम पेश करेंगे। आज थोड़ी सी ताखिर हो गई है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम उसी टाइम पे 6 से 7 याद रखिए। और इस प्रोग्राम के दौरान हम आपकी कॉलें भी लेंगे और आपसे मशवरे भी करेंगे, आप क्वेश्चन आंसर भी मौलाना से कर सकते हैं। गुफ्तगू हमने लास्ट वीक दीन फितरत पे जो की थी उसमें तमाम अदियान के बारे में बात हो रही थी और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन तक की बात थी और गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ था माँ की गोद से। आइए मौलाना को हम खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। ताखिर से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, माजत है। बहरहाल जो गुफ्तगू हमने छोड़ी थी तरबियत वालदैन के लिए और उस पर गुफ्तगू लेके आए थे आप माँ की तरफ से, जहन में कई चीज़ें उभरी और उसमें एक चीज़ ये है कि हमने कुतुब में देखा कि माँ और बाप का दोनों का असर बच्चों की तरबियत पे होता है जी, मगर साथ में हम ये भी देखते हैं और ताकीद ये की गई है कि माँ और बाप को दोनों को करेक्टरली और वैसे भी हर लिहाज से इस्लामी माहौल से और वो किया जाए। हज़रत नूह को अगर देखें तो हज़रत नूह बहुत ही उलुल अज़्म पैगंबर थे, मगर उनकी अहलिया और उनके बच्चे किसी दूसरे राह पे निकल गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी अहलिया और उनके बच्चे हज़रत इस्माइल ने किस तरीके से तरबियत हासिल की, आज हम लेकर आएंगे उसी गुफ्तगू को अपने खातून जन्नत जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैह के तवसुल से कि उनके किरदार से और उनकी तरबियत से हसनैन हुए हज़रत अली के। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि माँ बाप का रोल दोनों का लाजमी है या अगर एक भी फ़र्द अच्छी तरबियत कर रहा है तो बच्चे उस पर साबित कदम रहेंगे या कहीं ना कहीं पर झोल पैदा होगा? जी बहुत शुक्रिया श्याम साहब, आपके प्रोग्राम दीन फितरत में दोबारा हाजिर हूँ। यकीनन जो सिलसिले गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम में जहाँ तक हम पहुँचे थे वो ये कि एक बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार जो है वो कितना अहम है। तो यकीनन माँ और बाप दोनों जो हैं वो एक घर में उनका बहुत कलीदी किरदार है और बच्चों की तरबियत में वालिदैन का बहुत गहरा असर होता है। जो आपकी खिदमत में लास्ट टाइम भी अर्ज़ किया कि बच्चे का जो जहन है वो तो बिल्कुल एक सफ़ेद कागज़ की तरह है, आप उस पर जो लिख देंगे वो लिखा जाएगा। इसलिए बचपने में, चूँकि बच्चे में आप अगर इसको मेडिकली और साइंटिफिकली भी अगर आप इसको देखें तो बच्चे में एब्जॉर्प्शन की कुव्वत जो है वो ज़्यादा होती है। जो बच्चे बचपने में कुरान मजीद हिफ्ज करना शुरू कर देते हैं वो यकीनन हाफिज़ बन जाते हैं। अब अगर हमारी उम्र में कोई इस कोशिश में पड़ेगा तो शायद ये उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो एक बच्चा जो है उसको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं उसमें एक सलाहियत है कि कुव्वत जाज़िबा उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर जब एक बच्चा घर में एक बच्चे की परवरिश हो रही है, तरबियत हो रही है, तो घर का माहौल बच्चे पे बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। अगर तो घर का माहौल इस्लामी है, फितरत, चूंकि फितरत और इस्लाम दोनों एक ही चीज़ के नाम है, इस्लाम फितरत से हटके नहीं और फितरत इस्लाम से हटके नहीं, ये हम हैं कि बाज़ औक़ात फितरत को इस्लामी करने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात हम फितरत और इस्लाम के दरमियान एक खलीज जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस्लाम यकीनन दीन फितरत है और फितरत ही दीन है और फितरत के तहत ही जिंदगी जो है वो गुजारी जानी चाहिए, चूंकि फितरत, जिंदगी और इस्लाम ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर गुफ्तगू यहाँ पर जो चल रही है वो दीन फितरत पे चल रही है सारे अध्ययन से, तो हमें बैलेंस देखना है कि क्या सिर्फ इस्लाम ही दीन फितरत है या दूसरे अध्ययन जो हैं, जो कि जबकि हम कहते हैं सब परवरदिगार की तरफ से सारे दीन आए, नूह पे भी जो किताब नाजिल हुई वो अल्लाह की किताब है, हज़रत ईसा किताब आई उनके इंजील के नाम से,
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद के उससे आई, तो सब आ तो रही हैं सहीफे और कुतुब अल्लाह ताला की तरफ से, तो उन दोनों को मुवाजना करते हुए ज़रा साहब गुफ्तगू करें। जी अच्छा साहब, बहुत अहम सवाल है। दीन जो है वो बुनियादी तौर पे एक ही दीन है, दीन जो है वो एक ही दीन है जो हज़रत आदम से शुरू हुआ और हजरत खातम पे और गदीर वाले दिन जिस दिन की तकमील हुई, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो दीन वही दीन है। हर नबी के दौर में जो है वो एक अलग से एक अंदाज रहा तबलीग का, उसके उसमें कुछ जो है वो तब्दीलियां यकीनन उसमें रहीं, लेकिन आइन और दीन जो है वो हजरत आदम ने भी उसी दीन की तबलीग की, हजरत नूह ने उसी दीन को जो है वो लोगों तक पहुंचाया, हजरत इब्राहिम उसी दीन के लिए जो है वो नमरूद की आग में गए, हजरत ईसा जो है उसी दीन के लिए जो है वो चौथे आसमान पे आज बैठे उसी दीन की तबलीग के लिए, खुद पैगंबर अकरम ने उसी दीन को पहुंचाने के लिए पत्थर बर्दाश्त किए, लहूलुहान हुए उसी दीन के लिए जो है वो तकलीफें बर्दाश्त की, खुद करबला उसी दीन के लिए बपा हुई। ठीक है, तो दीन वही है। वो दीन क्या है? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, हजरत आदम से लेके हजरत खातम तक हर हादी बरहक ने और उसके बाद आइमा अलैहिस्सलाम ने जो है वो बुनियादी पैगाम यही पहुंचाया कि अल्लाह की वहदानियत। और हम बाज़ का दीन को जो है वो हम चूंकि तंग नजरी से देखते हैं, हम दीन को महदूद कर देते हैं, दीन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत वसी है। और जिस तरह आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज किया कि दीन फकत इबादात का नाम नहीं है, दीन फकत नमाज और रोजे का नाम नहीं है। अमूमन चूंकि हम अपनी तंग नजरी की वजह से हम ये समझते हैं कि दीन जो है वो फकत चंद मखसूस इबादात का नाम है, और अगर किसी को हम दीनदार कहते हैं और समझते हैं तो हम उसके कुछ जाहिरी आमाल को देखते हुए हम उसे दीनदार कहते हैं। अगर कोई बहुत नमाजें पढ़ रहा है तो हम कहते हैं ये बहुत दीनदार है क्योंकि नमाजी बहुत है। दीन फकत जो है वो एतकादात और आमाल का नाम नहीं है, बल्कि दीन जो है माशरे में रहने सहने का, एग्जैक्टली ये दीन का बहुत अहम तरीन जुज्व है। अगर इसलिए मासूम ने फरमाया कि अगर किसी की दीनदारी देखनी है तो उसकी फकत नमाज और रोजे पे ना जाओ, क्योंकि इसमें तो रियाकारी हो सकती है। मुआशरे में उसका किरदार देखो कि उसका जो है वो बुदोबाज किस तरह से है, लोगों के साथ उसका अखलाक किस तरह से है, उसका रहना सहना किस तरह से है, वो लोगों के साथ मिलना जुलना उसका किस तरह से है। तो ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा सिलसिला है दीन का कि जो बहुत ही चीजें आपस में मिलती हैं तो इंसान की इंसान अपने आप को दीनदार कहता है। उसमें आमाल भी हैं, उसमें वाजिबात भी हैं, उसमें अखलाकियात भी हैं, उसमें हुस्न मुआशरत भी है, उसमें घर में जो है वो किरदार भी है। एक माँ और बाप जो है वो अगर नमाजें तो बहुत पढ़ते हो, उनकी अपनी दीनदारी तो बहुत हो, लेकिन बच्चों की तरबियत अगर नहीं कर सके तो वो दीनदारी नहीं है। चूंकि ये बुनियादी जिम्मेदारियों से एक जिम्मेदारी वालिदैन की ये है कि वो अपने बच्चों की तरबियत सही उनवान पे करें। और बदकिस्मती से आजकल के दौर में हम जो है वो बच्चों को जो है वो माल और दौलत तो बहुत देना चाहते हैं, हम बच्चों में अपने बिजनेसेस को भी तकसीम करना चाहते हैं, हम बच्चों को अपने शेयर होल्डर भी बनाना चाहते हैं, हम बच्चों के नाम पे मुख्तलिफ अपने अपनी जायदादें और अपने मकानात भी करना चाहते हैं, लेकिन हम बच्चों को दीन सिखाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एक चीज पेश करना चाहूँगा, एक बुजुर्ग है मेरे हमजुल खुसर मौजम है जनाब मुसन्ना साहब जी जी, उन्होंने अपनी किताब लिखी है क्या हम अच्छे माँ बाप हैं, बहुत खूब माशाल्लाह। उस किताब को पढ़ने के बाद पहले तो ये महसूस होता है कि क्या पूछा जा रहा है ये क्या है, बल्कि अगर मैंने जो महसूस किया है पढ़ने के बाद कि वो आपका खुल सेल्फ एग्जामिनेशन है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर हम अच्छे माँ बाप नहीं हैं तो क्या अब हम अच्छे माँ बाप बन सकते हैं? क्या हम अपने माशरे में वो बच्चे जो अब माँ बाप बनने जा रहे हैं उनको हम कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम अपने कम्युनिटी को कुछ रिटर्न करें, बावजूद इसके कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा माँ बाप कैसे से बाप कैसे से नहीं रहा या घर में हमारे वो हमचारगी नहीं है, तो आगे हम अपनी नस्लों को कैसे पेश करें? तो यहां पर यह है कि क्या बाप का रोल ज्यादा है या माँ का ज्यादा है, और अगर है तो किस हद तक कौन अनबैलेंस है? जी शुक्रिया श्याम साहब, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अमूमन मुआशरे में हम ये समझते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो माँ की जिम्मे है और बाप की जिम्मेदारी फकत कमाना है। वो एक जॉब करे, दो जॉब करे, खुसूसन इस मुआशरे में, और दो से ज्यादा जॉब्स करे, बच्चों को हफ्ते हफ्ते उसको देखने का जो है वो इत्तफाक ना हो, वो बच्चों को देख ना सके,
तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसकी जिम्मेदारी फकत ये है कि बस वो कमा के लाए और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को फकत कमाने की हद तक महदूद कर दे। ये माशा समझता है, ये हम एक अमूमी फिक्र मतलब ऐसी चीज है नहीं, यकीनन ऐसी नहीं। अभी अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, अमूमन जो एक तासर है आजकल के इस माशरे में जहाँ पे हम रहते हैं वो ये कि बाप की जिम्मेदारी फकत कमाना है और माँ की जिम्मेदारी जो है वो बच्चों की देखभाल है। बल्कि बाज हल्कों में तो ये भी है कि बाप का काम भी कमाना है और माँ का काम भी कमाना है, माँ भी जॉब करती है, बाप भी जॉब करता है और बच्चे जो है वो या तो किसी डे केयर के हवाले कर दिए या बच्चों की तालीम फकत स्कूल पे छोड़ दी है या फिर जो है वो वंस अ वीक जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक सिलसिला जो उसको भी इनकरेज करना चाहिए कि जो इस्लामिक स्कूल जो है वो सैटरडे स्कूल या संडे स्कूल जो चलते हैं फकत उस हद तक हमने छोड़ दिए। हालांकि ये मुनासिब नहीं है, बच्चों की तरबियत में जहाँ पे माँ का किरदार है वहाँ पे यकीनन बाप का भी बहुत अहम किरदार है और जब तक माँ और बाप बच्चों की मिलकर तरबियत नहीं करेंगे वो बच्चे कभी भी दीनदार बच्चे और माशरे में मुस्बत किरदार रखने वाले बच्चे नहीं बन सकते। दीनदारी जो है वो बच्चा यकीनन अपने एक माहौल से सीखता है और ये दीनदारी उस वक्त नहीं शुरू होती कि जब एक बच्चा जो है वो तरबियत के मराहल से गुजरता है, ये तरबियत बुनियादी तौर पर फिर बात लंबी भी हो जाएगी उस वक्त से शुरू हो जाती है कि जब एक रिश्ता जो है वो एक लड़के और लड़की के दरमियान एक रिश्ता उस्तवार कर दिया जाता है तो उसी वक्त से पैदा होने वाले बच्चे की शख्सियत पे असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। ये सोच भी नफ्सियात है बेशक यकीनन और आज की साइंस जो है वो इस बात को बिल्कुल तस्दीक करती है और सेकंड करती है कि माँ बाप की जो फिक्र है वो बच्चे पे यकीनन उसका असर होता है। अगर बाप अली बिन अबी तालिब जैसा हो तो यकीनन हसन हुसैन पैदा होते हैं, अगर बाप अबू सुफियान जैसा हो तो उसकी औलादें लोगों के सामने मौजूद हैं। लिहाजा बाप की फिक्र जो है, माँ की फिक्र जो है, उसका बच्चे पे बराह रास्त असर पड़ता है और बच्चे जो है वो जज्ब करते हैं चूंकि कुव्वत जाज़िबा बच्चों में ज्यादा है लिहाजा बच्चे और उसी वक्त से चूंकि बदकिस्मती से हमारे माशरे में जब ये नौबत आती है कि वालदैन जहाँ पे मुतफक्किर होते हैं अपने बच्चों के रिश्तों के बारे में वहाँ पे अमूमन ये देखा जाता है कि जिस रिश्ते की तलाश है वो इस दुनिया में इंतहाई कामयाब शख्स जो है वो समझा जाता हो, मर्तबा उसके पास ज्यादा हो, वो कम से कम डॉक्टर हो और फिर उसमें भी आगे जो है वो काफ़ी स्पेशलाइजेशंस के बारे में जो है वो डिमांड्स की जाती हैं, फिर बच्चे के बैंक बैलेंसेस पूछे जाते हैं, फिर उसकी जायदाद और प्रॉपर्टीज का पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता उस बच्चे के वालिदैन से कि हम अपनी बेटी को आपके बेटे के सुपुर्द कर रहे हैं, आपका बेटा दीनदार कितना है, क्योंकि मासूम का फरमान है कि जब एक दीनदार शख्स को आप अपनी बेटी का रिश्ता देंगे तो वो और कुछ भी ना करे कम से कम ये होगा कि उसका दीन आपकी बेटी पे जुल्म करने से उसे रोकेगा, उसका दीन रुकावट बन जाएगा क्योंकि दीनदार इंसान जो है वो कभी जुल्म नहीं करता। तो बुनियादी जो अब चूंकि रिश्तों का तस्करा है तो एक चीज आप ज़िमनन अर्ज़ कर दूं कि दीन जो है ना वो बुनियादी चीज होनी चाहिए, अव्वलीन चीज होनी चाहिए। जब भी रिश्ते मांगने का, रिश्ते करने का या रिश्ते जोड़ने का मरहला आए तो सबसे पहले जो चीज देखें वो दीन देखें, आया दीनदारी है या नहीं है। अगर दीन होगा तो दुनिया वो अपने खुद कमा लेंगे। अच्छा चले इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दीनदार कैसे बनाए। जी यकीन है ये अच्छा साहब इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, दीनदारी कुछ ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपने एक पिल खा ली तो आपके अंदर दीन चला गया या आपने एक इंजेक्शन लगवा लिया तो आप दीनदार बन गए। ये बहुत से फैक्टर्स हैं कि जो मिलते हैं और इंसान दीनदार बनता है, उसमें जो है वो तौफीकाती परवरदिगार जो है वो सबसे पहली चीज़ है। अगर तौफीके परवरदिगार ना हो तो इंसान लाख कोशिशें करे उसमें वो दीनदारी का जज्बा नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो दुआ ये करनी चाहिए कि परवरदिगार के मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम दीन की तरफ बढ़े बजाय इसके कि हमारी जिंदगी दुनिया के पीछे गुजर जाए। तो दीनदारी के लिए तौफीकात परवरदिगार जरूरी है। उसके बाद वालिदैन का किरदार इस पर बहुत जरूरी है, घर में हलाल गिजा का आना बहुत जरूरी है। अगर तो हम अपने घर में हराम गिजा लाते रहेंगे और फिर ये दुआएं करेंगे कि अल्लाह हमारी औलाद को दीनदार बना तो ये होने वाला नहीं है, ये मुमकिनात में से नहीं है। अगर रिज़्क़ हलाल घर में नहीं आता, अगर घर में दीनदारी का माहौल जो है वो बिल्ड नहीं किया जाता और फिर बच्चों से ये तवक्को रखी जाए कि बच्चे दीनदार बने, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो दीनदारी आपका जो सवाल था कि दीनदार कैसे बना जाए, तो इसमें जो है वो रिज़्क़ हलाल बुनियादी चीज है, रिज़्क़ हलाल से हट के वालिदैन का किरदार इसमें बुनियादी चीज है, फिर मुआशरे के असरात बच्चे पे मुरतब होते हैं।
क्योंकि आप देखते हैं, मैं अक्सर इसको अर्ज करता हूँ कि यहाँ पे जब फॉल का सीजन आता है तो बच्चों को फ्लू शॉट्स वगैरह लगवाने के लिए डॉक्टर्स के फोन आते हैं कि बच्चों के अपॉइंटमेंट्स लें और फ्लू शॉट्स लगवाएं, क्योंकि वो डॉक्टर्स को पता है कि इस वक्त मुआशरे में, सोसाइटी में एक वायरस है कि जो आम हो चुका है, लिहाजा बच्चों को ऐसी वैक्सीनेशन दे दी जाए कि उनकी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्ड किया जाए ताकि बच्चे उस वायरस के खिलाफ जो है वो तैयार हो जाएं। इसी तरह इस मुआशरे में फकत फ्लू का वायरस नहीं है, इस मुआशरे में और बहुत से वायरसेस हैं। बेहयाई का वायरस है, झूठ का वायरस है, गीबत का वायरस है, बेदीनी का वायरस है, हराम सुनने का वायरस है, हराम देखने का वायरस है, वालदैन का एहतराम न करने का वायरस है, इस मुआशरे में मजालिस में न जाने का वायरस है, कुरान मजीद न पढ़ने का वायरस है। तो ये बहुत से वायरसेस इस वक्त मुआशरे में है। तो वालदैन जहाँ पे ये देखते हैं कि बच्चों की जिस्मानी सेहत को बरकरार रखा जाए, वहां पर यह भी देखना चाहिए कि जब बच्चा मुआशरे में बाहर जाएगा कहीं ये ना हो कि उसे गीबत का वायरस लग जाए, कहीं ये ना हो कि वालदैन की बेहतरामी का वायरस लग जाए, कहीं ये ना हो कि बच्चा बेदीन हो जाए बजाय इसके कि दीनदार हो। तो वो इंजेक्शन, वो शॉट, वो पिल बच्चे को कहां से मिलेगी? वो ये दीन है जो इन्हें फितरत है, जो बच्चे को की इम्यूनिटी को बिल्ड करता है कि उन वायरसेस के अगेंस्ट बच्चा जो है वो रेजिस्ट शो करे, बच्चा उन वायरसेस के मुकाबले में उसको आप इतना दीनदार बना दें। और उसमें जैसे कि अभी अर्ज किया कि मुआशरे का किरदार, घर का किरदार, रिज़्क़ हलाल का होना, तौफीकाते परवरदिगार, एक माहौल ऐसा मुहैया करना बच्चे के लिए कि, और खुद वालिदैन का किरदार घर में अगर माँ और बाप दोनों एक ऐसा किरदार बन के बच्चे के सामने पेश करेंगे और कि बच्चा वो देख के यकीनन उसमें, अगर घर में वालिदैन नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन एक छोटा बच्चा देखने वाला वो नमाज पढ़ेगा, वो नमाजी बनेगा। लेकिन आप लाख जुबान से बच्चों को कहें कि बेटा नमाज पढ़ें, बेटा कुरान की तिलावत करें, आप खुद नहीं कर रहे तो बच्चे पे उसका असर होने वाला नहीं है। सर ये बताइए कि हमारे उलुल अज़्म पैगंबर जनाब हज़रत नूह, उनकी जोजा, उनके बेटे, यानी कि परवरदिगार से उनको कहना पड़ा, जब एक उलुल अज़्म पैगंबर के घर पे ऐसी बात है, या खौलूद के देख लीजिए और दूसरे बहुत से ऐसे हैं जो कि मिसालें हैं, मैं उन पैगंबरों को नहीं देख रहा जिनके दोनों तरफ से फरीकैन अच्छी तरह से करते हैं, तो वो क्या वजूहत हैं कि इतनी बड़ी खुदाई चीज़ सरप्रस्ती के उनके पैगंबर हैं, उनके मैसेंजर हैं, और फिर उनके औलाद में ऐसी चीज़ नाफरमानी और उनके उस पर थोड़ा सा। यकीनन श्याम साहब, ये बहुत हसास मौजू है और यकीनन इसकी बहुत ज़रूरत भी है। किसी नबी के घर में पैदा हो जाना इस बात की जमानत नहीं देता कि आप जो है वो दीनदार रहेंगे। माहौल, फकत माहौल जो है वो इस बात की जमानत नहीं देता कि आप राह रास्त पर रहे। खुद शैतान कैसे माहौल में था, कैसी बारगाह में था, कितना आबिद था, कितना जाहिद था, लेकिन उस माहौल में रहने के बावजूद जो है वो गुमराह हो गया। हजरत आदम से आप शुरू कीजिए, फिर हजरत नूह आए, उसके बाद फिर आगे सिलसिला चलेगा, हजरत इब्राहिम की औलाद आई और इसके बाद जो सिलसिला आगे चला, तो यकीनन अंबिया की जो औलादें हैं उसमें भी ऐसी मिसालें मिलती हैं। खुद हजरत आदम की औलाद में देखिए, एक भाई जो है वो दीनदार है और एक भाई जो है वो शैतान उसको गुमराह कर रहा है। शैतान उसे ये कह रहा है कि तुम्हारा बाप आदम जो है वो हाबील से ज्यादा मोहब्बत करता है और हाबील को ज्यादा कुछ दे के जाएगा और तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। फिर शैतान उस काबिल को बरगलाता है और हाबील के कत्ल पर उसको आमादा करता है। तो शैतान यकीन वो तो गुमराह करने के लिए वो मौजूद है। अंबिया चूंकि मासूमीन है, इसलिए अंबिया और आइमा अलैहिस्सलाम तक उसकी रसाई नहीं है, लेकिन अंबिया के घरों पे भी शैतान ने डाके डाले हैं यकीनन, और ये हिस्ट्री आपके सामने मौजूद है। और इसीलिए कहा गया कि हजरत नूह से कि बेटा तुम्हारे अहल में नहीं है। लिहाजा फकत ये समझ लेना, और जब, और ये एक बहुत अच्छी एक चीज और भी है कि अगर अंबिया की औलादें महफूज ना रही तो आज अगर हम ये समझे, हम नूह से तो बड़े नहीं है, हम हजरत आदम से हमारा मकाम तो बुलंद नहीं है, तो अगर आदम का बेटा काबिल गुमराह हो सकता है तो हम किस बात के मूली हैं? हमारे बच्चे क्यों नहीं गुमराह हो सकते? लिहाजा हमें माहौल ऐसा फराहम, उसमें यकीनन तौफीकात परवरदिगार अपनी जगह पे मुसल्लम है, उसकी जो जरूरत है वो अपनी जगह पे है, लेकिन कम अज कम जो हमारा फरीजा है, जो हमारा फर्ज शरई है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा वजीफा है, वो ये है कि बच्चों को रिज्क हलाल खिलाया जाए, बच्चों को एक ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि जिसमें बच्चों की तरबियत इस्लामी अकदार पे हो, बच्चों को अपना माँ बाप जो है अपना किरदार
उस तरह से बना के दिखाएं कि बच्चों के लिए माँ बाप खुद मिसाली और रोल मॉडल्स बने। जब तक वालिदैन दीनदारी के हवाले से रोल मॉडल्स नहीं बनेंगे और बच्चों के ये रोल मॉडल जो आजकल की सेलिब्रिटीज हैं और इस तरह रोल मॉडल बच्चा बनाएगा तो यकीनन वो दीनदारी से दूर होगा, वो दीन की तरफ नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि आपकी गुफ्तगू से मैंने ये एक पॉइंट लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, मगर आपने कहा कि अगर परवरदिगार की शामिल हो तो उस पर यानी असर भी हो सकता है और अगर नहीं है तो वो नहीं, तो इसका मतलब है कि हम एक तरह से काप आउट हो रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे कोई गलत रवैये में जा रहे हैं। तो बहस यहाँ पर ये है कि हम कौन सी ऐसी नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह ताला की जहाँ पर कि अल्लाह ताला ये हम सोचने मजबूर हो जाएं कि उसकी रहमत हमारे साथ यानी करम नहीं है इसलिए बच्चा वो हो गया। अब हलाल भी लेके आ रहे हैं, सब कुछ है, मगर कहीं ना कहीं पर कुछ फर्क है यहाँ पर। यकीनन अच्छा सब ये भी मुमकिनात में से है, लेकिन अमूमन जो है वो ऐसा बहुत कम होता है कि आप अपनी अगर वालिदैन अपनी ज़िंदगी दीन पे गुजारें और दीनदारी पे गुजारें और फिर वो ये कहें कि रिज़्क़ हलाल भी घर में आता है, बच्चों की तरबियत भी इस्लामी कानून तरीके से होती है, घर का माहौल भी दीन लगनो दीनदार है, और उसके बाद जो है एक बच्चे का गुमराह हो जाना, इसके चांसेस बहुत कम है। मुमकिन है ऐसा, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, यकीनन ऐसा भी मुमकिन है लेकिन उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक बच्चे को माहौल ही ऐसा ना दें कि जिसका ताल्लुक दीन और दीनदारी से हो तो फिर उस बच्चे के दीन पर रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमने अपना जो वजीफा है वो ये है कि हमने बच्चे को माहौल ऐसा फराहम करना है जो माहौल दीनदार माहौल हो, जिस माहौल में जो है वो बच्चे के लिए एक प्रैक्टिकली हम खुद जो है वो अपने आप को साबित करें और हमारी जात जो है वो बच्चे के लिए खुद रोल मॉडल हो और नमूने अमल हो। और जैसा कि अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि दीन जो है एहतशाम साहब वो फकत इबादत का नाम नहीं है, दीन फकत चंद इबादतों का चंद वर्जिशों का नाम नहीं है, बदकिस्मती से हमने दीन को महदूद कर दिया है और ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी नज़र में दीन जो है वो फकत नमाज और रोज़ा की हद तक रह गया है। हम जो है वो मुसलमान हैं तो 30 दिन के और वो भी बड़ी मुश्किल से, और अगर हम मुसलमान हैं तो अय्याम अज़ा में हम अपने आप को जो है वो उस हद तक महदूद कर लेते हैं, हालांकि पूरा साल जो है ये हमें तरबियत पे, बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा इस पे एम्फसाइज करना चाहिए। और दीनदारी जहाँ पे इबादत हैं, जहाँ पे कुछ आमाल हैं, जहाँ पे एतकादात हैं, वहीं पे मुआशरे में रहना जो है ये सिखाना, इसका ताल्लुक दीनदारी से बहुत है। लिहाजा किसी ने मासूम से पूछा था कि अगर किसी की दीनदारी देखनी हो तो कैसे आप देखें, तो मासूम का इरशाद कि अगर किसी को दीनदार देखना हो कि वो कैसा है तो मुआशरे में उसका किरदार देखो, वो मुआशरे में कैसे, वो लोगों के साथ कैसा है, वो लोगों के साथ झूठ बोलता है या सच बोलता है, वो जब मुआशरे में जाता है तो गीबत करता है या लोगों की गीबत नहीं करता, वो मुआशरे में जाता है तो क्या करता है, लोगों की बुराइयाँ करता है या लोगों की अच्छाइयाँ बयान करता है, तो इसका ताल्लुक दीन से, चूँकि ये उसकी ज़िंदगी पर इसके असरात मुरतब होते हैं कि वो जो घर से सीख के निकला है, क्योंकि वही मुआशरे को वो लौटा रहा होता है, जो उसने सीखा है और जो उसके जहन पे जो नकूश जो है वो मौजूद है, वही जब मुआशरे में आता है तो वो बच्चा अपने अंदर वो जो लिए हुए है वो मुआशरे को लौटा रहा होता है। तो बच्चे की दीनदारी अगर देखनी है तो उसका मुआशरे में किरदार देखे, और मुआशरे में किरदार जो है वो बेहतर बनाना यकीनन ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, और अगर कोई इसे ये समझे कि ये फकत वालिदा की जिम्मेदारी है तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है। जहाँ पे वालिदा की जिम्मेदारी है एक बच्चे की तालीम तरबियत में, वहाँ पे वालिद का भी उतना ही किरदार है। और इसी पे एक वाक्य भी मुझे हजरत मुकद्दस अर्दबेली का एक वाक्य याद आ गया उनके बाप के हवाले से कि वो किसी दरिया के किनारे मौजूद थे कि कहीं से कोई ताजर था जो सेब कारोबार करता था, वो दरिया के किसी किनारे पे बैठ के अपने सेब धो रहा था तो पानी में एक सेब उसका बह गया, तो जहाँ पे हजरत मुकद्दस अर्दबेली मौजूद थे, उनके वालिद मौजूद थे, उन्होंने देखा कि दरिया में पानी के बहाव के साथ एक सेब जो है वो बहता हुआ चला आ रहा है, तो उन्होंने उस सेब को ले लिया और सेब को खा लिया। और जब सेब खा लिया तो फिर कुछ ही देर में उनके जहन में एक सवाल आया कि ये तो मेरे लिए हलाल नहीं है, मैंने तो इसके मालिक से इजाजत तलब नहीं की, ये पता नहीं किसकी तरफ से सेब आया है। अब वो इस परेशानी में वो उसी दरिया के किनारे उस पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने चलना शुरू कर दिया कि जिस तरफ से सेब आ रहा है यकीनन इसका मालिक जो है वो पीछे बैठा होगा। बड़ा तवील सफर तय करने के बाद वो उस मकाम पे पहुंचे कि जहां पे वो एक शख्स बैठा सेब धो रहा था, तो
उन्होंने कहा कि मैंने एक सेब खा लिया है और वो यकीनन सेब आपका ही है जो कि पानी के बहाव में आके मुझ तक पहुंचा, लिहाजा मैंने आपसे इस सेब के खाने की इजाजत तलब नहीं की, लिहाजा आप मुझे ये माफ फरमा दें ताकि बरोज़ माशर इसका जो है ना वो मुझे अजाब ना हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये बहुत परेशान हुए, इन्होंने कहा या अल्लाह, अब देखिए एक सेब जो है वो एक दीनदार शख्स की जिंदगी पे कि एक हराम का सेब खा लिया कितना असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने मुझे माफ ना किया तो यकीनन मेरी तो आखिरत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसकी जो है इसका अजाला तुम इस तरह से कर सकते हो कि तुम्हें मेरी बेटी का रिश्ता कबूल करना पड़ेगा, अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी करोगे तो मैं तुम्हारा ये सेब खाना माफ कर दूंगा। तो खैर वो रिश्ता हो गया। तो अब वो जो लड़की के वालिद थे कि जो सेब का कारोबार करते थे, उनसे बाद में पूछा गया कि आपने अपनी बेटी का इसको रिश्ता क्यों दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं देखना चाहता था कि बच्चा जो है वो दुनियावी हवाले से किस मकाम पे है, मैं ये देखना चाहता था कि जो बच्चा एक सेब के लिए उसका दीन इतना उसे मजबूर कर रहा है कि एक हराम का सेब खाने की वजह से वो बच्चा इतना परेशान है कि बरोज़े माशर मैं किस तरह जवाब दूंगा कि एक हराम का सेब मैंने मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया। तो जो बच्चा इतना दीनदार है यकीनन यही अहल है इस चीज के कि मैं अपनी बेटी का इसको रिश्ता दूं। लिहाजा उन्होंने बेटी का रिश्ता दिया और नतीजे में जो औलाद पैदा हुई वो हजरत मुकद्दस अर्दबेली औलाद की सूरत में पैदा हुई। तो यकीनन जब वालिदैन का किरदार ये होगा तो बेटे मुकद्दस अर्दबेली जैसे पैदा होंगे, और जब वालिदैन हराम खाएंगे हराम खिलाएंगे तो आजकल जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। नाजरीन आप वॉच कर रहे हैं प्रोग्राम दीन फितरत, और हमारे दिए गए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मौलाना से आप सवाल भी कर सकते हैं। इस हफ्ते जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये डेडिकेशन है जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैह के लिए, इसलिए कि अय्याम फातिमिया हैं, और थर्सडे को शहादत का स्पेशल प्रोग्राम वतन से दूर हम वतनों के लिए, जैसा कि आपके इल्म है कि वो भी मैं मेज़बानी के फ़राइज़ देता हूँ, वो प्रोग्राम हम डायरेक्ट ज़ैनबिया न्यूजर्सी से करेंगे, जिससे अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन संदराली साहब खुसूसी तौर से इस प्रोग्राम में डायरेक्ट मजलिस से खिताब फरमाएंगे इस, और उसमें जो हम डिस्कशन रखेंगे इंशाल्लाह के जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैह के तरबियत किस तरीके से माँ ने और बाप हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हसनैन को आगे बढ़ाया और जिसने के जाके नाना के दीन को बचाया, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बहसियत मुसलमान फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीफोन से कॉल कीजिए और हम मौलाना से गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू के दौरान अगर आपकी कॉल आई और हमें उठाने में देर लगे तो आप प्लीज़ कंटिन्यू कॉलिंग, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। मौलाना गुफ्तगू बड़ी अच्छी चल रही है और आप भी इस मुल्क में तकरीबन पिछले 8-10 साल से 14 साल माशाल्लाह, और मुझे भी तकरीबन कम वेश 38 ईयर्स हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत से प्रैक्टिकल मसाइल भी हैं और ये सही है कि हर इंसान को उसकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बहसियत बाप, बहसियत भाई, बहसियत शोहर, और मगर माशरे में जब हमें हैं तो हमें माशरे का भी ख्याल होना चाहिए जी। आप बहसियत आलिम, आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है जो कि मैं समझता हूँ कि वो हमारे पास नहीं है, और जब मैं जुमे को देखता हूँ तो जुमे के खुतबे जो होते हैं उसमें हमें बताया गया कि दो खुतबे होते हैं, एक इस्लाम से ताल्लुक़ है, एक माशरे से ताल्लुक़। तो आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेंबर जिसे कहते हैं, या जितने भी हमारे ज़ाकरीन और उलमा हज़रात यहाँ पर हैं, खुसूसन मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, अपने हिंदू पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इसलिए वहाँ जो हमने सीखा उसका हमें एहसास है, हम अच्छे माँ बाप नहीं हैं मगर हम बनना चाहते हैं और अपनी आगे नस्लों को बनाना चाहते हैं, तो क्या ये मुनासिब है? और आपके मजालिस से मैंने देखा है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ नसीहत और बच्चों के किरदार और उसको माँ बाप के उस पर करते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हर मजालिस में एक 15 मिनट बच्चों की तरबियत के ऊपर, इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर, इम्पॉर्टेंस ऑफ फादर, इम्पॉर्टेंस ऑफ, इसलिए कि गुफ्तगू अगर होती है मजालिस में तो हम ये देखते हैं एक ही तरफ या तो पल रहा होता है कि औरत को क्या करना चाहिए, औरत बीवी को क्या करना चाहिए, और उस पर
باپ کے کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے، یا اگر باپ پہ ہوتا ہے تو عورت پہ نہیں ہوتی ہے، اگر بچے وہاں بیٹھے نہیں ہیں تو ان کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجالس کے دوران بچوں کی تربیت، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا آگے بڑھ کے ہم کہہ سکیں کہ واقعی ہم جو کہ اچھا تو نہیں لگتا کہ ہم بار بار شیعہ سنی کرتے ہیں، مگر ایک شیعہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان۔ بے شک احسان صاحب، یقیناً پروردگار کا یہ لاکھ احسان ہے کہ ہم مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہیں، اور یہ چونکہ کامیابی کا مکتب ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہ انسان کی نجات کا ضامن ہے، اور یہی راستہ جو ہے وہ صحیح راستہ ہے، اور یہی دین فطرت ہے، یہی دین اسلام ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ نے جو مکتب ہمیں دیا ہے، اللہ نے جو رہبر اور رہنما ہمیں دیے ہیں، انتہائی بدبختی ہوگی کہ اس مکتب سے وابستہ بھی ہوں، ایسے رہبر و ہادی بھی ہوں، ایسا نظام بھی موجود ہو، پھر ہماری اولادیں گمراہ ہو جائیں، انتہائی بدبختی ہوگی۔ چونکہ جو ماحول ہمیں میسر ہے، الحمدللہ ہر روز کوئی نہ کوئی پروگرامز رہتا ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی اہل بیت کا پیغام چلتا رہتا ہے، پورا سال الحمدللہ یہاں پہ تو پروگرامز ہوتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہم نے درس جو ہے وہ لینا ہے، اب اس پہ جو خطبہ ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ابھی اس حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں، لیکن ایک پیرنٹس ہونے کے حوالے سے اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، اگر بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ہمارے بچے کہیں بے دین نہ ہو جائیں، اپنے دینداری نہ کھو بیٹھیں، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اگر ہم بچوں کو فقط جو ہے وہ ایک سکول کی حد تک چھوڑ دیں گے کہ سکول تعلیم تو دے دے گا، لیکن تربیت سکول نہیں کرے گا، وہ تربیت آپ نے گھر میں کرنی ہے، وہ تربیت آپ کے ماحول نے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ بچے کو سکول میں جو ہے وہ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی تو پڑھا دیں گے، میتھمیٹکس تو سکھا دیں گے، لیکن بچے کو دین جو ہے دین وہاں پہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا آپ نے ایک ایسا ماحول مہیا کرنا ہے بچے کو کہ اسے دین ملے، اور اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے امام برگاہ ہیں، ہمارے سینٹرز ہیں، ہمارے مراکز ہیں، کہ جس میں دین کا پیغام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے والدین کو اس بارے میں جو ہے توجہ کرنی چاہیے، اور بچوں کو سینٹر سے، مراکز سے مربوط کرنا چاہیے۔ اب رہی ذمہ داری جو حضرات جو ہے خطبہ ہیں، جو مقررین ہیں، اور جو بچوں کی تربیت کرنے سے کے حوالے سے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سینٹرز لے کے جاتے ہیں، کہ ایک عالم، ایک خطیب اور ایک مقرر جو ہے وہ یقیناً ایسی گفتگو کرے گا کہ جس سے ہمارے بچے کچھ سیکھیں گے، تو اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں، بینگ ایک ادنا خادم اور ایک ادنا ذاکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح نماز کے ارکان ہیں، نماز کے واجبات ہیں، کہ اگر ان ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چونکہ عزاداری کہتے تھے کسی دور میں مستحب ہے، لیکن آج کل جو نظریہ ہے وہ یہ کہ عزاداری واجب ہے، عزاداری واجب ہے، عزاداری ہی ہے کہ آج دین باقی ہے، عزاداری ہی ہے کہ آج جو ہے وہ اسلام اور ایک سلسلہ اسلام جو ہے وہ باقی ہے اور اسلام کا پیغام باقی ہے، تو عزاداری بھی واجب ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے اور نماز کے ارکان ہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ عزاداری واجب ہو اور عزاداری کے ارکان نہ ہوں؟ عزاداری کے بھی ارکان ہیں، جس طرح نماز کے ارکان میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، بعین ہی اسی طرح اگر عزاداری کے جو ہیں ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی آپ چھوڑ دیں تو عزاداری کا وہ ثواب جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، اور وہ عزاداری کے رکن کون سے ہیں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ عزاداری کے تین ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے شان اہل بیت، ہر پڑھنے والا، ہر خطیب، ہر مقرر جو ہے وہ سب سے پہلے یہ بیان کرے کہ اللہ نے ہمیں جو ہادی، جو رہبر و رہنما دیے ہیں، ان کی شان کیا ہے، وہ کس مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، اللہ نے انہیں کتنی عزت دی ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شان اہل بیت۔ اور دوسرے نمبر پہ جو رکن ہے عزاداری کا وہ ہے فرمان اہل بیت۔ جب شان بتا دیں اس کے بعد فقط شان پہ جو ہے وہ موقوف نہ ہو، اس کے بعد فرمان اہل بیت بتائیں کہ جن اہل بیت کی شان یہ ہے، اللہ نے جو ہمیں ہادی اور رہنما دیے ہیں، انہوں نے جو ہمیں رہبر اور رہنما دیے ہیں، وہ جن کی شان یہ ہے، ان کا فرمان یہ ہے، پھر فرمان بتایا جائے، اور وہ فرمان یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی لے کے آئے گا۔ اور فرمان بتانے کے بعد تیسرا اس کا رکن ہے ارمان اہل بیت، جی فرمانے جی، تو شان بتائیں، پھر فرمان بتائیں اور ارمان بتائیں۔
اگر یہ تینوں چیزیں ہماری مجالس میں ملتی ہیں تو الحمدللہ آپ مطمئن رہیے آپ کی اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور اولاد کبھی رائے راست سے جو ہے وہ شیطان ان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ ہمارے جو خاندان ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، ازدواجی زندگی میں پریشانیاں، بچیوں کے رشتے، والدین کی نافرمانی، رزق حرام کا آنا، معاشرے میں بگاڑ، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا جب تک ہماری مجالس میں ہمیں یہ پیغام ملتا رہے گا، اور مجالس ہماری تربیت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ ہماری آج جو زندگیاں، آج یہ آزاداری کی صورت میں ہمیں جو نعمت عظمیٰ ملی ہے، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہے، اور یہی ہماری ہدایت اور ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دین فطرت، اور مولانا وسیم عباس صاحب سے گفتگو کے دوران مجھے بہت ہی ہمت افزا میسج مل رہا ہے، اور جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ شان اہل بیت، فرمان اہل بیت اور ارمان اہل بیت، تو یہ میرے تین ہفتے کے پروگرام کے تو ٹاپکس آپ نے دے دیے، تو انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا اس میں ہم بات کریں گے شان اہل بیت پہ، اور وہاں سے دیکھیں گے دین فطرت کو لیں گے، اور اس کے بعد والے پہ انشاءاللہ آگے چل کے فرمان اہل بیت اور ارمان اہل بیت، پھر اس کو تینوں کو کمبائن کریں گے۔ ایک اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ۔ جب میں یوتھ ایج میں تھا، میں ابھی بھی اپنے آپ کو یوتھ ہی کہتا ہوں، مگر جب میں یوتھ ایج میں ایکچوئل تھا تو مجھے موقع ملا جاپان جانے کا، وہاں پر یوتھ فورم تھا، تو وہ اس وقت میری عمر میرا خیال ہے 14 یا 15 سال کی رہی ہوگی۔ تو جب وہاں پر ہم گئے تو ناظرین اسکاؤٹنگ کے سلسلے میں، اور جب وہاں پر ہم گئے تو انہوں نے یوتھ فورم میں ایک ٹاپک دیا کہ اسکاؤٹنگ میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے بہت آگے کی سوچ تھی آرگنائزرس کی۔ تو اس کمرے کے اندر سوائے ایک ایڈلٹ کے، جو کہ بہت ہی معتبر ایڈلٹ تھا، باقی جتنے بھی یوتھ تھے دنیا کے تمام ممالک سے وہ موجود تھے۔ کمرہ بند تھا اور اس کے اندر ڈسکشن ہو رہا تھا، اور ایسے ایسے ٹاپک وہاں پر آئے، چونکہ وہاں پر کوئی فیئر نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی ہمارا بزرگ دیکھ رہا ہے یا ہمارے کوئی اسکاؤٹ ماسٹر دیکھ رہے ہیں یا ٹیچر دیکھ رہے ہیں۔ ایوری ٹاپک واز آن دا فلور، جی، اور اس کی جو رپورٹنگ آئی ہے اس کے بعد بہت ہی کامیاب اس کے اوپر سائل تھے۔ تو میں اس ایکسپیرئنس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کمیونٹی، آپ جیسے ایکسپیرئنس حضرات سے، علامہ صاحب ہیں، دوسرے بہت سے علماء یہاں پر ہیں، اسکالرز ہیں یہاں پر، پیرنٹس اور یوتھ دونوں کو ساتھ میں ملائیں، ایک پہلے یوتھ کے ساتھ فورم کریں اور اس کے بعد پھر پیرنٹس کے ساتھ کریں، اور ان دونوں کے چیزیں لے کے پھر کمبائن کریں، تاکہ اور نہ بتائیں کہ کس کی سجیشن ہے کیا نہیں ہے، کہ بچوں کیا پرابلمس ہیں اپنے والدین سے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ساری، اسی طرح سے والدین کو بھی بچوں سے کچھ پرابلمس ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اگر بند کمرے کے اندر کپڑا ڈھاک کے کوئی چیز اور اس کو سولوشن کے لیے آئیں، تو اس سے معاشرہ ہمارا کچھ سدھر سکتا ہے اور ہم کچھ سبق لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی یقیناً احتشام صاحب، یہ بہت ضروری ہے، جس کو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جنریشن گیپ ہے، اور اکثر بچے یہاں پہ یہ کہتے، انہیں سنا گیا ہے کہ وہ پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ بابا یہ آپ کی جو فکر ہے یہ پرانی فکر ہے، آپ کی سوچ جو ہے یہ زمانے گزشتہ کے ساتھ ہے، آج کا دور سائنس کا دور ہے، کمپیوٹرز کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ ہمیں یہ نہ کہیں، آپ ہمیں یہ نصیحت نہ کریں، آج ہم جو ہے وہ کچھ بھی ہمیں چاہیے ہم گوگل کر لیں، ہم اس پہ چلے جائیں اور ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے۔ لیکن وہ بچے آج کے معاشرے میں یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے جو پیرنٹس کا جو تجربہ ہے، جو ان کی زندگی، جو انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، وہ جو شب و روز دیکھے ہیں، وہ ان کا ایکسپیرئنس جو ہے وہ یقیناً اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ آج یقیناً یہ ممکن ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے پاس ڈگری زیادہ ہوں، انہوں نے ان سکولز اور کالجز میں تعلیم زیادہ حاصل کی ہو، والدین سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہوں، لیکن والدین کا تجربہ جو ہے، انہوں نے زندگی جو دیکھی ہے، وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے۔ لہذا کبھی بھی اس طرح سے اپنے پیرنٹس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہم آپ سے زیادہ ذہین ہیں، ہم معاشرے کو اور وقت کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، ان کی فکر، ان کی سوچ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے۔ ہاں والدین کو بھی جہاں پہ بچوں کے ساتھ جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ ایسی سوچ نہ ہو کہ جو اپنی سوچ کو دوسروں پہ جو ہے وہ ہم اتنی فوقیت دیں کہ اپنی رائے دوسروں پہ ٹھونس دیں،
और इस तरह का माहौल भी नहीं होना चाहिए, एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिसमें बच्चों की आप ओपिनियंस भी लें, पेरेंट्स जो है उनकी आप फिक्र भी देखें, उसके बाद आप जो है एक दरमियानी रास्ता जो है आप उसको देखें कि मुआशरे में एक घर में अगर रहना है, एक मुआशरे में रहना है तो उसमें बच्चों का किरदार और पेरेंट्स का किरदार कैसा होना चाहिए। तो जब ये दरमियानी रास्ता में इख्तियार कर लें, जब ये माँ बाप के दरमियान, औलाद के दरमियान अगर ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए तो फिर यकीनन वो मुआशरा उसी दीन के ताबे हो जाता है कि जो दीन फितरत है, यही दीन है। दीन कोई माफोक फितरत चीज नहीं है, दीन कोई ऐसी चीज नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, यकीनन है, बिल्कुल यकीनन है, दीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे अमल ना किया जा सके। अगर दीन पे अमल ना हो सकता तो पैगंबर अकरम कभी भी इसको ना, छोटी छोटी सी बातें हैं बेशक, अगर आपके बच्चे कोई अच्छी बात आपको बता रहे हैं, आदाब के अंदर रह के बता रहे हैं और आप समझते हैं कि आपने गलती की तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं माशाल्लाह से मेरा बेटा है और वो इतना मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ यानी, और मैं उसे मशवरा करता हूँ। जब वो मुझे किसी चीज़ की मशवरा देता है कि डैडी आपने ये नहीं करना, तो मैं दो दिन सोचता हूँ, फिर तीसरे दिन उसको कहता हूँ तुमने सही कहा है, इसलिए कि उसको फिर मैं उस एंगल से सोचता हूँ जिस माशरे में वो बेशक बढ़ रहा है, बेशक वो हमने नहीं देखा, उसने बहुत चीजें देखी, ठीक है हमने तीर मारे हैं, बहुत तुरम खान रहे हैं, पूरे दुनिया घूमे हैं, मगर ये कि इस वक्त जो वो कर रहा है वो दूसरे सोच से कर रहा है। तो अगर कोई चीज अच्छी, और फिर वो हजरत अली का कॉल आ जाता है कि अगर कोई चीज कोई बता रहा है तो अच्छी चीज है तो ले लो, तो अगर छोटा कोई आपको कह रहा है कि ये चीज आप ना करें तो आप उसे एक्सेप्ट, जब तक आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जो दीन फितरत है बेशक, तो उसमें तो कामयाबी नहीं होगी। और फिर उसमें श्याम साहब एक और चीज जो हमें मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए वो ये कि अमूमन किसी बच्चे की तरबियत के हवाले से अगर हम कुछ चीज देखते हैं तो हम बाज़ औक़ात एक घर में अगर कुछ मेहमान बैठे हैं या कुछ लोग और बैठे हैं तो हम बच्चे को वहीं पर डांट देते हैं या हम बच्चे को वहीं पर सरजनश कर देते हैं। तो इस पर मासूम का एक फरमान आपकी बात से मुझे याद है, मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी ने कुछ लोगों की मौजूदगी में किसी को वाज़ नसीहत की तो उसने उसे बिगाड़ दिया, और जिसने तन्हाई में किसी को नसीहत की उसने उसे संवार दिया। तो ये भी बच्चों की नफ्सियात पे इसका भी यकीनन बहुत गहरा असर पड़ता है कि हम बच्चों की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको तरबियत समझते हैं और हकीकतन बच्चे की नफ्सियात पे उसका बुरा असर पड़ रहा है और वो बच्चा भागने, हम और अक्सर यहाँ पे कहते हैं जी कि अब जो है वो पेरेंट्स लेक्चर बहुत देते हैं, माँ बाप हर वक्त जब उनके करीब जाए वो लेक्चर देते हैं, ज्यादा बच्चे माँ बाप से दूर रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा माहौल भी ना हो कि बच्चे उसको लेक्चर समझें और बच्चे उसको आप जो दर्स देना चाहते हैं, आप जो सबक देना चाहते हैं बच्चे उसको लेनी। तो बुनियादी चीज ये है कि एक तो जनरेशन गैप जो है उसको कम किया है, बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल भी हो और इसी से यकीनन जो है वो तरबियत का आगाज होता है। सही, तो अब आप कुछ और हमारे नाज़रीन को डायरेक्ट मशवरा देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से, इसलिए कि आप भी वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एग्जाम्पल अगर अपनी सामने रख के और कोई नसीहत की जाए तो बहुत उस है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा माँ बाप नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने कि जब देखा कि मेरे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं जो मुझे नहीं सीखी मैंने, अब मौका मिल रहा है बात करने का सबका, तो ये मतलब नहीं है कि मैं उसको लेके डिप्रेस होकर बैठ जाऊँ, बल्कि अपने आगे वाले माशरे को हम बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हमने ये गलतियाँ की हैं पास में, मगर अब उसकी गलतियों से ये होता है। तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शेयर करेंगे बच्चों के उस, यकीनन अच्छा सा बहुत जरूरी है। मेरी जब शादी हुई 1998 में तो उस पर काफी उलमा माशाल्लाह तशरीफ लाए और एक आलिम दीन ने उसमें मुझे एक तोहफा जो दिया उसमें एक किताब ऐसी दी कि जो हकूके ज़ौजैन पे थी। तो ये बुनियादी चीज है कि जब एक लड़का और लड़की रिश्ते इज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं तो उन्हें जब आप गिफ्ट्स देते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा जरूर दें कि जिनसे उनकी तरबियत में जो है वो उसका अहम किरदार हो, क्योंकि जब माँ बाप की तरबियत सही होगी तो बच्चों की तरबियत हो सकेगी। अगर माँ बाप को खुद तरबियत की जरूरत है तो यकीनन वो बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। तो बुनियादी तो ये है कि हम अपने आप को फुली इक्विप करें इसके साथ। या आप देखते हैं जब आप हवाई सफर कर रहे हो तो वहां पे जब शुरू में आपकी फ्लाइट जब प्रवास करती है तो उससे पहले आपको कुछ जो है वो दिखाया जाता है और एयर होस्टेस कुछ जो है वो डेमोन्स्ट्रेशंस भी करती है, तो उसमें अपने अगर खासतौर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो यहाँ से आपको मास्क मिलेगा, आपने सबसे पहले वो मास्क खुद पहनना है, उसके बाद एक और मास्क करेगा, वो मास्क आपने अपने बच्चों के उस पर देना है। कहीं ये नहीं कहा जाता कि बच्चे को मास्क पहले पहनना है उसके बाद मास्क खुद अपने आप पे पहने, ऑक्सीजन मास्क हर आपको उस पर ये दिखाया जाता है कि पहले वो मास्क खुद पहने। आप सही होंगे
आप जिंदा और सलामत होंगे तो किसी और को बचा सकेंगे। आप खुद अगर महफूज नहीं हैं, आपकी अपनी जिंदगी अगर खतरे में है, तो आप किसी और को किस तरह से महफूज बना सकते हैं? तो सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने आप को महफूज बनाएं। हम अपना किरदार देखें, हम अपना रवैया देखें, और इसमें जिद हठधर्मी नहीं है। इसमें मियाँ बीवी के दरमियान के जो अज़दवाजी मामलात हैं उनमें भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, उनमें भी हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्डअप करनी है। उसके बाद फिर बच्चों की तालीम और तरबियत का जो है वो मरहला आता है। तो उसमें जो मैंने अब आज तक सीखा है वो ये है कि जब तक आप अपने अमली किरदार से बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, बच्चों की तरबियत कभी नहीं हो सकती। आप अगर बच्चों को कहते रहे बेटा नमाज पढ़ो, बेटा कुरान पढ़ो, बेटा मजलिस में जाओ, बेटा मातम करो, तो शायद उस बच्चे पे असर ना हो, लेकिन आप खुद अगर मजलिस में जाके बैठेंगे तो यकीनन आपका बेटा आपके साथ मजलिस में जाके बैठेगा। यकीनन अगर आप अपने घर में मुसल्ले इबादत बिछाएंगे तो आपका बेटा आपको देख के या आपकी बेटी आपको देख के मुसल्ले इबादत पे आएगी। माँ अगर हिजाब के साथ बाहर निकलेगी तो यकीनन बेटी भी हिजाब पहनना शुरू कर देगी। तो ये हमारी जात है कि जो हम दूसरों को तबलीग करें, इसलिए कहा गया कि तबलीग जो है वो जुबान से भी है और तबलीग जो है वो किरदार से भी है, लेकिन जो मुअसर तबलीग है वो किरदार की तबलीग है। जुबान की तबलीग बाज़ुकात असर नहीं करती, लेकिन जो किरदार की तबलीग है वो कभी जाया नहीं जाती। गुफ्तगु अपने आखिरी मरहल पे, और जैसा कि मैंने नाज़रीन से प्रॉमिस किया था कि ये प्रोग्राम हमारा जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के अय्यामे फातिमिया से मुंसलिक है, तो थोड़ा सा इख्तितामी उस पर जनाब फातिमा के रेफरेंस से कि वो कौन सी तरबियत ऐसी थी, यानी सोचने वाली चीज़ है जिससे हसनैन शरीफ ने दुनिया में नाम किया, आखिरत में भी, और जवाना ने सरदार हुए जन्नत के, उससे हम क्या सबक लें? बहुत ही इख्तसार के साथ, और इंशाल्लाह फिर अगले गुफ्तगू में फिर आगे बात करेंगे जी। तो आप इसमें थोड़ा सा रोशनी डालें। यकीनन चूंकि नमाज का वक्त भी करीब है तो इंतहाई मुख्तसरन बीबी के हवाले से इतना अर्ज करूं कि ये वो खानदान इस्मत तहारत है। अल्लाह ने इस खानदान को उतनी बुजुर्गी और बड़ाई और कमालात दिए कि ये पूरी कायनात के लिए जो है वो एक नमूना है। तो जनाब सईदा के हवाले से फकत इतना अर्ज करूं कि जब बीबी की उम्र 5 साल की थी तो चूंकि वालिद मोहतरमा जनाब बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया, तो जनाब सईदा को बीबी उम्मे सलमा के हवाले किया गया और उनसे कहा गया कि अगर आप बीबी की तरबियत के हवाले से कुछ आप खिदमत कर सकें। तो जब उनका मिलना हुआ जनाब सईदा से तो बीबी उम्मे सलमा के अल्फाज ये थे कि मैंने तो जनाब सईद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से खुद सीखा है, इनकी ज़ात एक बचपने की आलम में मैंने खुद इनसे सीखा है और मैंने ये देखा है कि ज़िंदगी जो है वो हकीकतन क्या है। चूँकि वो दर्जे इस्मत पे थी, अल्लाह ने उन्हें वो इल्म और वो दानिश और वो हिकमत अदा की थी, और वही इल्म और दानिश और हिकमत थी कि आपने जिस तरह से अपने साहबजादों और अपनी साहबजादियों की परवरिश और तरबियत की, अल्लाह ने जो आपको 3 फरजंद दिए, इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब मोहसिन, और अपनी बेटियों में जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब बीबी उम्मे कुलसूम, तो अल्लाह बीबी ने हर अपने बेटे की और हर बेटी की तरबियत उस इस लाइक उनवान पे की और उन खतूत पे की कि यकीनन कायनात के लिए रोज़े रोशन की तरह अयां हैं। अगर ये तरबियत जनाब सैयदा ना होती तो इतना बड़ा वाकया करबला जो है ये इस तरह से रूनुमा ना होता। ये उसी गोद की तरबियत थी और ये वही दर्स था और वही सबक था कि दीन के लिए, इस्लाम के लिए अगर इस्लाम पे वक्त आ जाए तो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देना है, इस्लाम पे कोई हरफ ना आने देना। वही दर्स था कि जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम हो या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, अगर तो सुलह की इस्लाम की खातिर, अगर जंग की तो इस्लाम की खातिर, और अगर मुखद्दरात इस्मत बाजारों में और दरबारों में गई तो वो उसी गोदी का असर था, उसी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत का असर था कि इस्लाम को बचा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया और कुर्बान होते रहे। और आले मोहम्मद का दर्स हमारे लिए यही है कि अपनी जातों को मुकद्दम ना करें, हम अपने आप को, अपनी शख्सियात को मुकद्दम ना करें, बल्कि दीन को मुकद्दम करें। हमारी जात क्या है, फानी है, लेकिन अल्लाह का दीन बाकी रहना है। इसीलिए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए दर्स भी यही दे दिया और हमारे लिए सबक भी यही छोड़ा कि हम मर जाएं लेकिन कभी इस्लाम और दीन पे समझौता ना करें। जब भी दीनदारी और बेदीनी के दरमियान हमें जो है वो चॉइस दिया जाए कि किस राह को इख्तियार करें तो हम कुर्बान होना जो है वो मुनासिब समझें, लेकिन कभी दीनदारी का दामन न छोड़ें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
قبلہ آخر میں میں اجازت چاہوں گا کہ علامہ ماجد آبدی کے لکھے ہوئے کلام، چونکہ قوم کے نام ایک پیغام ہے اور آج کے مناسبت سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا میسج ہوگا. ناظرین، بچھا کے فرش عزا سیدہ کو یاد کرو، بچھا کے فرش عزا سیدہ کو یاد کرو، لہو بہاؤ تو زین العبا کو یاد کرو، دعائے زینب و زہرا ہے مجلس و ماتم، دعائے زینب و زہرا ہے مجلس و ماتم، صفِ عزا پہ جو آؤ دعا کو یاد کرو، سنت زینب یہی ہے تازیہ داری کرو، جس سے خوش ہو فاطمہ ایسی عزاداری کرو. ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان ایشام نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور جہاں بھی ممکن ہو سکے ایام عزا میں مجالس میں شرکت فرمائیں، اور اگر ممکن ہو تو ہمارے وطن سے دور ہم وطن کے اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ ہم زینبیہ نیو جرسی سے براڈ کاسٹ کریں گے لائیو 7:30 بجے تھرزڈے کو، بسلسلہ شہادت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور وہاں پر آپ کو اچھے اچھے ذاکرین سو سلام اور مرثیہ اور نوحے کے لیے موجود ہوں گے، اور وہ پروگرام ہم ڈائریکٹ نشر کریں گے. کل ہمارا پروگرام وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ ہم پیش نہیں کر رہے، اس لیے کہ اس کو ہم تھرسڈے کو کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. دعا